हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गांव की सरकार में किसकी जिम्मेवारी, किसकी दावेदारी और किसको मिलेगी जिम्मेवारी, ये हनुमान नगर और सिंहवाड़ा में मतदान के दिन लंबी कतार लगाकर मतदाताओं ने अपना मत ईवीएम और मत पेटिका में बंद कर दिया है। बीटीए न्यूज की टीम लगातार सिंहवाड़ा और हनुमान नगर में मतदान केंद्रों का जायजा लेती रही। एक दिन बीतने के बाद मतगणना के दिन 1 दिसंबर को पता चलेगा कौन जीता, कौन हारा, किसके हाथ बाजी लगी और कौन मायूस होकर लौटा। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं हनुमान नगर प्रखंड में मतदान का दृश्य, जहां गांव की सरकार में जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड सदस्य के लिए लोगों ने ईवीएम पर बटन दबाया तो पंच और सरपंच के लिए मत पत्र पर मुहर लगाकर मत पेटिका में अपना मत डाला, जहां एक दिन बीतने के बाद मतगणना में पता चलेगा कौन बाजी मारा और कौन हारा। आओ बहना, आओ भाई, अपना फर्ज निभाए, वोट डाल कर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। नाना नानी, मामा मामी, सबको ये समझाए, वोट डाल कर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। हनुमान नगर प्रखंड में हमारे संवाददाता ने जब इन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया, देखिए किस तरह महिलाओं की लंबी कतार। और बात अगर हम प्रतिशत की करें तो शाम 5 बजे तक जो सूचना है उसके अनुसार 56.5% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें पुरुष का प्रतिशत 50.4 ही रहा तो महिला 61.7% मतदान से अव्वल रही, आगे रही। यानी महिलाएं फिर एक बार आगे गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी और जवाबदेही देने के लिए। ये लंबी कतार महिलाओं की, ये घूंघट ताने महिलाएं और फिर निर्भीक होकर मतदान करती महिलाएं, ये बता रहा है। आप देख सकते हैं कि पुरुषों की संख्या जहां कम वहीं महिलाओं की संख्या ज्यादा। हालांकि पुरुष भी देर शाम तक अपना काम निपटाकर मतदान केंद्र पर कतार में लगे रहे, लेकिन जब भी हमारी कैमरा टीम पहुंची महिलाओं की कतार लंबी रही। देर शाम तक पुरुषों की कतार की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मतदान प्रतिशत बढ़ा। अंतिम प्रतिशत तो फाइनल बाद में ही होगा, लेकिन यह तय हो गया कि हनुमान नगर प्रखंड में गांव की सरकार में महिलाओं ने अच्छी भागीदारी दी। 61.7% मतदाता
5 बजे तक कतार में थी महिलाएं, और जबकि 56.5% मतदाता पुरुष मतदाता कतार में रहे। बूढ़े बुजुर्ग बीमार मतदाता भी गांव की सरकार के लिए लगातार सक्रिय रहे। पूरी तरह लोकतंत्र के उत्सव में इस महापर्व में उन्होंने अहम योगदान दिया और अपना मताधिकार का प्रयोग किया। आओ बहना आओ भाई, अपना फर्ज निभाए, वोट डाल कर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। नाना नानी मामा मामी सबको ये समझाए, वोट डाल कर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। क्या आप बालों की रूसी और बालों के झड़ने से परेशान हैं? आइवर कंपनी लाए है आपके लिए हेयर कल्प ऑयल, आपके बालों का सच्चा साथी हेयर कल्प ऑयल। हेयर कल्प ऑयल बालों को काला घना और लंबा बनाने में सहायक और असर कारक आयुर्वेदिक तेल है। आइवर कंपनी का हेयर कल्प ऑयल सभी केमिस्ट काउंटर पर उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पापा मम्मी दीदी भैया सब लगाएं हेयर कल्प ऑयल। और हनुमान नगर के बाद बात करें सिंहवाड़ा प्रखंड की। जी हां, सिंहवाड़ा एक बड़ा प्रखंड, यहां गांव की सरकार के लिए लोगों ने कमर कसी। महिलाओं की लंबी कतार आप यहां देखिए किस तरह उसने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड सदस्य के लिए ईवीएम पर बटन दबाया तो मत पेटिका में पंच और सरपंच के लिए मतपत्र पर मुहर लगाकर वोट गिराया। गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी, दावेदारी, सिंहवाड़ा प्रखंड में थी इसकी बारी। और यहां के लोगों ने देर शाम 5 बजे तक अगर हम बात करें तो 54% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां भी महिला आगे रही, 60.3% महिला मतदाता और 50.4% पुरुष मतदाता ने सिंहवाड़ा प्रखंड में गांव की सरकार में अपनी हिस्सेदारी, जवाबदेही, किसकी किसको जिम्मेवारी देंगे यह गोपनीय ढंग से ईवीएम में बटन दबाकर बंद कर दिया है। एक दिन के बाद बुधवार को जब मतगणना होगा तो खुलासा होगा कि कौन जीता कौन हारा।
कोई रंग अबीर गुलाल लगाकर बैंड बाजे के साथ मतगणना केंद्र से सिंहवाड़ा की ओर रवाना होंगे, तो कोई बड़े मायूस होकर चुपचाप रवाना होंगे। बहरहाल लोगों ने 54% मतदाताओं ने मुहर लगा दिया है कि अगले 5 साल के लिए जिम्मेवारी जवाबदेही किसकी होगी। पुस्तकालय बनौली है। हाँ चल रहा ना। हाँ हाँ क्या नाम हुआ? परनीता देवी। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। ये बनौली है, ये 9 नंबर बनौली हुआ जनता पुस्तकालय सिंहवाड़ा। कैसा चल रहा है चुनाव यहाँ? अच्छा ढंग से चल रहा है। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डाल कर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। नाना नानी मामा मामी सबको ये समझाए, वोट डाल कर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। सुबह 7 बजे से हनुमान नगर और सिंहवाड़ा प्रखंड में हुआ मतदान। 5 बजे तो समाप्त होना था लेकिन कहीं कहीं 7 बजे तक चला लंबी कतार, और ये गवाह इस बात का कि गांव की सरकार के लिए जिम्मेवारी भागीदारी दावेदारी में जिम्मेवारी मतदाताओं ने किस तरह निभाई और जिम्मेवारी किस तरह जनप्रतिनिधि को देंगे। हमारे संवाददाता सरफराज आलम और सत्येंद्र कुमार ने विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया, जायजा लिया, यथासंभव उन दृश्य को हम आप तक दिखा रहे हैं। गांव की सरकार में हिस्सेदारी भागीदारी दावेदारी, लोकतंत्र के पर्व में एक ऐसा चुनाव जहां एक साथ ईवीएम और मत पेटिका का प्रयोग हो रहा है, और इस प्रयोग को देखने के लिए हरियाणा और दिल्ली से निर्वाचन के पदाधिकारी आए, संतुष्ट हुए। उन्होंने मतदान से लेकर मतगणना तक की तकनीक को देखा और आने वाले दिनों में बिहार का यह मॉडल पंचायत निर्वाचन मॉडल देश में हर जगह अपनाया जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। दिल्ली और हरियाणा में इस मॉडल को अपनाने की बात हो रही है, और इसी संदर्भ में पटना मुजफ्फरपुर और दरभंगा में निर्वाचन पदाधिकारी ने यहाँ की स्थिति का जायजा लिया था। अब तक जिन चरणों का चुनाव हुआ है उसमें शांतिपूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के तहत चुनाव और ये जो बूथ मैनेजमेंट है काम का, ये 100% इसे व्यवस्थित करने में सभी का योगदान है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं पंचायत के, उनके नेतृत्व में जो मतदान कर्मी और पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, विधि व्यवस्था संधारण कर रहे हैं, और उतना ही सहयोग मतदाताओं का भी जो
निर्भीक होकर मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर गांव की सरकार में जवाबदेही किन्हें देंगे यह तय कर रहे हैं। बहुत अच्छा वातावरण में चुनाव हो रहा है। कितना प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है? अभी तक 40% मतदान हो चुका है। टोटल यहाँ पे कुल कितना मतदान केंद्र है? कुल यहाँ पर 4 मतदान केंद्र हैं। किस जगह पे है ये मतदान केंद्र? यह जनता पुस्तकालय बनौली दक्षिणी भाग हमारा प्रखंड है। दरभंगा जिला का सिंहवाड़ा प्रखंड बनौली पंचायत राजकीय मध्य विद्यालय बनौली वार्ड नंबर 3 बूथ नंबर 348। किस वातावरण में यहाँ पे चुनाव हो रहा है? शांतिपूर्ण वातावरण है। किसी तरह का कोई दिक्कत भी है? ना, कोई को दिक्कत नहीं। लगभग दिन के 1 बज गए हैं। अभी तक दोनों प्रखंडों से सिंहवाड़ा और यहाँ से अभी तक शांतिपूर्वक मतदान है। बिशनपुर थाना अंतर्गत 2 प्रिवेंटिव अरेस्टिंग भी की गई है। एक बोगस वोटिंग कराने के लिए थे और एक ऐसे ही जमावड़ा लगाए थे। तो हम लोग वही देख रहे हैं कि कोई अपने कानून को अपने हाथ में ना ले, अनावश्यक लोग भीड़ नहीं इकट्ठा करें और सबको हिदायत भी की जा रही है। माइकिंग करके लोगों को बताया भी जा रहा है कि शांतिपूर्वक सब लोग अपना मतदान करें और घर जाएं। नाम आप देख रहे हैं सब शांतिपूर्ण है। हम लोगों के यहाँ पे सब तरीके से विधि व्यवस्था की तैयारी पूरी है। हम लोगों ने पहले भी बैठक करी थी यहाँ के सभी प्रत्याशियों से और आप लोग देख ही रहे हैं फोर्स है, जोनल मजिस्ट्रेट लोग सब है यहाँ पर ही। तो हम लोगों का पूरा यहाँ पे विधि व्यवस्था की तैयारी है और सब शांतिपूर्ण निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव हो इसी के लिए हम लोग निकले हुए हैं। किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर कहीं से आई है? नहीं, अब तक नहीं वैसी कोई खबर आई है। हर जगह चुनाव एकदम स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से चल रहा है और उम्मीद है कि लोग हम लोग को सहयोग करेंगे और इस तरीके से चुनाव चलेगा। सुबह 7 बजे से हनुमान नगर और सिंहवाड़ा प्रखंड में हुआ मतदान। 5 बजे तो समाप्त होना था लेकिन कहीं कहीं 7 बजे तक चला लंबी कतार और ये गवाह इस बात का कि गांव की सरकार के लिए जिम्मेवारी भागीदारी दावेदारी में जिम्मेवारी मतदाताओं ने किस तरह निभाई और जिम्मेवारी किस तरह जनप्रतिनिधि को देंगे। हमारे संवाददाता सरफराज आलम और सत्येंद्र कुमार ने विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया, जायजा लिया, यथासंभव उन दृश्य को हम आप तक दिखा रहे हैं। गांव की सरकार में हिस्सेदारी भागीदारी दावेदारी लोकतंत्र के पर्व में एक ऐसा चुनाव जहां एक साथ ईवीएम और मत पेटिका का प्रयोग हो रहा है और इस प्रयोग को देखने के लिए हरियाणा और दिल्ली से निर्वाचन के पदाधिकारी आए, संतुष्ट हुए। उन्होंने मतदान से लेकर मतगणना तक की तकनीक को देखा और आने वाले दिनों में बिहार का यह मॉडल पंचायत निर्वाचन मॉडल देश में हर जगह अपनाया जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। दिल्ली और हरियाणा में इस मॉडल को अपनाने की बात हो रही है और इसी संदर्भ में पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में निर्वाचन पदाधिकारी ने यहाँ की स्थिति का जायजा लिया था। अब तक जिन चरणों का चुनाव हुआ है उसमें शांतिपूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के तहत चुनाव और ये जो बूथ मैनेजमेंट है काम का, ये 100% इसे व्यवस्थित करने में सभी का योगदान है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं पंचायत के, उनके नेतृत्व में जो मतदान कर्मी और पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, विधि व्यवस्था संधारण कर रहे हैं और उतना ही सहयोग मतदाताओं का भी जो निर्भीक होकर मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर गांव की सरकार में जवाबदेही किन्हें देंगे यह तय कर रहे हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। अग्रवाल परिधान कपड़े से संबंधित सारे रेंज रिटेल से लेकर होलसेल रेट में उपलब्ध है। साड़ी, सूट, लहंगा, मेंस वियर, किड्स वियर, न्यूबॉर्न बेबी वियर,
यहाँ सभी कपड़ों का परिधान एक ही छत के नीचे, क्वालिटी और रेंज में नंबर वन अग्रवाल परिधान। हमारा पता है मिर्जापुर चौक दरभंगा। खुल गया खुल गया खुल गया मिर्जापुर चौक के निकट रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस के नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में एक ही छत के नीचे पाए 0 साइज से लेकर 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए एक पर एक डिजाइनर ड्रेसेस, जिसमें उपलब्ध हैं औरतों के लिए बनारसी साड़ियां, फैंसी साड़ियां, सिफोन साड़ियां और जेंट्स के लिए शेरवानी, सूट, कोट पैंट, टी शर्ट, शर्ट और छोटे बच्चों के लिए डिजाइनदार कोट पैंट से लेकर जीन्स टी शर्ट। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में ठंड मौसम को देखते हुए एक पर एक डिजाइन के गर्म कपड़े आकर्षक रेंज में उपलब्ध कराए हैं। यहाँ कम दामों में कपड़े डिजाइनदार मिलते हैं। हमारा पता है रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस, मिर्जापुर चौक दरभंगा। बीटीएन न्यूज का यह प्रसारण गांव की सरकार में सिंहवाड़ा और हनुमान नगर प्रखंड। आप देख रहे हैं कि हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार सरफराज आलम ने यथासंभव हनुमान नगर और सिंहवाड़ा का दौरा किया। किसने कहां मतदान किया, लंबी कतार कहां रही, कौन बुजुर्ग आए, किस परेशानी से आए और मतदान कर्मियों ने निष्पक्षता पारदर्शिता के तहत अपना फर्ज किस तरह निभाया, गांव की सरकार में जवाबदेही देने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में पुलिस कर्मियों ने कैसे योगदान दिया, प्रशासनिक पदाधिकारी कहां कहां चौकस रहे और कितना प्रतिशत कहां मतदान हुआ। पुनः आपको बता दें, हनुमान नगर प्रखंड में महिलाएं यहां आगे रही और उन्होंने जमकर मतदान किया। पुरुषों की संख्या से एक बार फिर ज़्यादा हनुमान नगर में 56.5% मतदान में पुरुषों का प्रतिशत 50.4 रहा, जबकि महिलाओं की का प्रतिशत 61.7 रहा। सिंहवाड़ा प्रखंड में 55.35% मतदान में जो 5 बजे तक का फिगर है, पुरुषों की भागीदारी 50.4 रही जबकि महिलाओं की भागीदारी 60.3 रही। ये लोकतंत्र की सरकार में महिलाओं की ज़्यादा जवाबदेही, ज़्यादा भागीदारी दर्शाता है कि लोकतंत्र में उनकी कितनी रुचि है, गांव की सरकार में उनकी कितनी गहराई है और आस्था है। अगले 5 साल के लिए जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड सदस्य के साथ पंच और सरपंच का उन्होंने चयन कर दिया है, जिम्मेवारी दे दी है, जिसका खुलासा मतगणना के दिन बुधवार को होगा।